सर्दियों में पानी गर्म करने के वैसे तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर आप किराएदार हैं जिसे घर जल्दी जल्दी मूव करना पड़ सकता है, तो वाटर हीटर आपका सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि पहली बात तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरा उनको बार बार इंस्टॉल करना, फिर दूसरी जगह पर मूव करना, इसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और ये काफी हैसल भरा होता है। तो ऐसे में आप इमर्जन रोड चूज कर सकते हैं। इनके काफी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये काफी सस्ती होती है, दूसरा ये पोर्टेबल होती है। अगर आपको अलग अलग बाथरूम में गर्म पानी चाहिए तो एक ही इमर्जन रोड को आप अलग अलग बाथरूम में लगाकर पानी गर्म कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन का तो इसमें कोई झंझट है ही नहीं। लेकिन एक इमर्जन रोड खरीदते समय काफी सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बताऊंगा, प्लस आपको टॉप 5 इमर्जन रोड के मॉडल्स भी दिखाऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अलग अलग प्राइस रेंज के ये मॉडल हैं और इन सबके फीचर्स भी अलग हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जो इमर्जन रोड खरीदते समय आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस रेंज। मार्केट में आपको 300 रुपए से इमर्जन रोड शुरू होते हुए देखने को मिलती है, और 1500 और यहां तक कि 1800 रुपए तक की इमर्जन रोड भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है क्वालिटी का और फीचर्स का। जितने कम फीचर्स और क्वालिटी के साथ आप इमर्जन रोड लेंगे उतनी सस्ती वो पड़ेगी, और ज्यादा फीचर्स और बढ़िया क्वालिटी वाली लेंगे तो उतनी महंगी पड़ेगी। 300 रुपए की कौन सी इमर्जन रोड आती है और 1600 रुपए की कौन सी आती है, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वॉटेज। मार्केट में जो इमर्जन रोड है वो आपको 1000 वॉट की देखने को मिलेंगी और 1500 वॉट की देखने को मिलेगी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उनके पानी को गर्म करने की कैपेसिटी का। जो 1000 वॉट वाली है वो पानी को थोड़ा स्लो गर्म करती है, और 1500 वॉट वाली पानी को फास्ट गर्म करती है। तो हर कोई 1500 वॉट वाली लेगा, लेकिन 1500 वॉट वाली थोड़ी सी महंगी आती है, प्लस उससे आपका बिजली का बिल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि वहां पर पावर कंजम्पशन ज्यादा है। तो अब आप देखिए आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पैसा। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है हीटिंग एलिमेंट। जब भी आप इमर्जन रोड खरीदेंगे तो उसके बॉक्स के ऊपर हीटिंग एलिमेंट किस मटेरियल का बना हुआ है ये आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो उसमें हमेशा ध्यान दीजिए, हीटिंग एलिमेंट कॉपर विद निकल प्लेटेड हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए, वो बढ़िया क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वायर लेंथ एंड सॉकेट। अब इमर्जन रोड काम कैसे करती है ये तो आप सबको पता है। बाल्टी के अंदर पानी भर के आपको इमर्जन रोड को उसके अंदर डालना होता है और पानी गर्म हो जाता है। लेकिन उसकी जो वायर है, जो केबल है, वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो सॉकेट में आप लगा सको और बाल्टी तक वो रोड चली जाए। तो ऐसे में जो इमर्जन रोड है उसकी जो वायर लेंथ है वो मिनिमम 1.5 मीटर होनी चाहिए। उससे ज्यादा आपको मिलती है तो बढ़िया बात है। सॉकेट की अगर बात करें तो हमारे घर में दो टाइप के सॉकेट होते हैं। एक छोटे सॉकेट होते हैं जिनमें आप वो अप्लायंसेज लगा सकते हैं जिनकी पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होती। दूसरे बड़े पावर वाले सॉकेट होते हैं जिनमें वो अप्लायंसेज लगते हैं जिनकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है। तो अगर हम इमर्जन रोड की बात करें तो इमर्जन रोड में भी आपको दो टाइप के प्लग देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग प्लग हैं। कलर तो इनका अलग है ही, लेकिन ये साइज में भी अलग अलग है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 16 एम्पियर का प्लग है, यानी कि ये हैवी पावर कंजम्पशन वाले अप्लायंसेस के लिए बना है। दूसरा ये वाला जो आप प्लग देख रहे हैं ये 6 एम्पियर का प्लग है, ये उन अप्लायंसेस के लिए बना है जिनकी पावर कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं होती। इमर्जन रोड की अगर हम बात करें तो उसमें सारी ही इमर्जन रोड आपको 16 एम्पियर वाले प्लग के साथ देखने को मिलती है, यानी कि जिस भी बाथरूम में आप पानी गर्म कर रहे हैं या जहां पर भी पानी गर्म कर रहे हैं वहां पर आपके पास पावर वाला सॉकेट, 16 एम्पियर वाला सॉकेट होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कोई ऐसी इमर्जन रोड नहीं आती जिसमें छोटा प्लग लगता हो, आती है, लेकिन कुछ एक या दो मॉडल ही ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आगे एक ऐसा मॉडल मैं आपको दिखा दूं। इसके बाद इमर्जन रोड में कुछ प्रोटेक्शन और सेफ्टी वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। आपको पता है कि इमर्जन रोड पानी के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर करंट भी रहता है, तो कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आपकी जो इमर्जन रोड है वो शॉक प्रूफ होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए, उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर होना चाहिए। थोड़े हाई एंड इमर्जन रोड की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी देखने को मिलेगा और एक ऑटो कट ऑफ फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसमें जब पानी गर्म हो जाता है लेवल के हिसाब से तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाती है। ये कुछ फीचर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज पीपल हैं। इसमें एक चीज और देख लेना, आपकी इमर्जन रोड में एलईडी इंडिकेटर है या नहीं। ये काफी अच्छा फीचर होता है। एक बार आपने इमर्जन रोड कनेक्ट करी तो ये एलईडी इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इससे किसी को भी पता लग जाएगा कि इस वक्त ये इमर्जन रोड काम कर रही है और इससे दूर रहना चाहिए जब तक कि हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर देते। लेकिन अगर इमर्जन रोड में ये फीचर नहीं है तो ये पता नहीं लग पाएगा, किसी के भी दिमाग से कभी भी निकल सकता है कि इमर्जन रोड ऑन है या ऑफ है। तो मैंने अगेन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया घर में बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं तो ये फीचर्स काफी बढ़िया होते हैं। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वारंटी। तो काफी सारी इमर्जन रोड पे आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ अच्छे मॉडल्स भी हैं जिनके ऊपर 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिल रही है। तो जब भी आप इमर्जन रोड खरीदें अगर प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा वारंटी लेने की कोशिश कीजिए। अब जबकि आपको इमर्जन रोड के बारे में सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं तो चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे पहला मॉडल है वो है कैंडिस ग्रैंड इमर्जन रोड, और इसका जो करंट प्राइस है वो है 350 से 370 रुपए के बीच में ही आपको पड़ेगी।
इसकी जो वॉटेज है वो है 1500 वॉट, यानी कि इतनी पावर ये कंज्यूम करती है। इसमें 1000 वॉट का मॉडल भी आपको मिल जाएगा, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, 300 रुपए का पड़ जाएगा। 2000 वॉट का भी एक मॉडल है, वो 400 रुपए का आपको पड़ जाएगा। इसमें निकल प्लेटेड हीटिंग एलिमेंट आपको मिल जाएगा और 10 एम्पियर का प्लग है इसका, यानी कि जो छोटे वाला 6 एम्पियर का सॉकेट होता है उसी सॉकेट में ये प्लग भी आप लगा सकते हैं। वायर लेंथ की बात करूं तो 1.5 मीटर की वायर इसमें आपको मिल जाएगी। ISI सर्टिफाइड इमर्जन रोड है ये और इसमें सिर्फ आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। इस इमर्जन रोड के अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या फिर एकमात्र प्लस पॉइंट यही है कि इसमें 10 एम्पीयर का प्लग है। काफी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे घर में पावर सॉकेट नहीं है, छोटे प्लग वाली इमर्जन रोड बताइए, तो उनके लिए ये इमर्जन रोड बेस्ट है। लेकिन इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो अमेज़न पर काफी कस्टमर्स के नेगेटिव कमेंट थे इस इमर्जन रोड को लेकर। काफी लोगों ने लिख रखा था कि जो मटेरियल है वो काफी चीप क्वालिटी का है। तो आप लोग देखिए, अगर आप थोड़े क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके और आपको छोटे प्लग वाली इमर्जन रोड चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसकी अगर मैं स्टार रेटिंग की बात करूं तो अमेज़न पे 4 स्टार इसको मिले हैं, 600 से भी ज्यादा लोगों ने ये स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी है। सेकंड मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है बजाज इमर्जन रोड और ये अमेज़न पर नंबर 1 बेस्ट सेलर है इमर्जन रोड्स कैटेगरी में। सबसे ज्यादा बिकने वाली इमर्जन रोड है ये। इसका जो प्राइस है वो 500 से 550 के आसपास आपको पड़ेगा। वॉटेज इसकी भी 1500 वॉट है। सारे ही मॉडल जो मैं आपको दिखाऊंगा वो सेम 1500 वॉट वाले मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कितना प्राइस डिफरेंस है हर ब्रांड के मॉडल में। इसमें भी आपको 1000 वॉट वाला मॉडल मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो, 400 से 450 रुपए के बीच में वो आपको मिलेगा। निकल प्लेटेड हीटिंग एलिमेंट का इसमें यूज हुआ है। 16 एम्पीयर का प्लग इसमें है, यानी कि इसके लिए पावर सॉकेट आपको चाहिए, छोटे सॉकेट में आप इसको नहीं लगा सकते। वायर लेंथ इसमें भी 1.5 मीटर है, ISI सर्टिफाइड है और 1 साल की वारंटी इसमें आपको मिलेगी। कस्टमर रेटिंग की बात करें तो Amazon पे 4.1 स्टार इस मॉडल को मिले हैं आउट ऑफ 5 स्टार और 38,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। तीसरा मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है Havells ब्रांड की तरफ से HP 15 और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 700 से 750 के बीच में ये इमर्जन रोड आपको देखने को मिलेगी। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि इसका प्राइस ज्यादा क्यों है। सबसे पहले वॉटेज इसकी भी सेम है, 1500 वॉट ये कंज्यूम करती है। इसमें आपको दूसरा मॉडल भी मिल जाएगा एक HB 10 जो कि 1000 वॉट की इमर्जन रोड है, उसका प्राइस 625 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। फिर एक इसमें HB 10 ऑटो मॉडल भी है जो 800 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। HB 15 में भी एक ऑटो मॉडल आपको मिल जाएगा जो 1000 के आसपास आपको पड़ेगा। निकल प्लेटेड हीटिंग एलिमेंट का इसमें यूज हुआ है, 16 एम्पीयर का प्लग इसमें भी लगेगा। अब आगे जितने भी मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे 16 एम्पीयर प्लग वाले ही होंगे, यानी कि उनके लिए बड़ा सॉकेट ही चाहिए। वायर लेंथ इसमें भी 1.5 मीटर आपको मिल जाएगी। ISI सर्टिफाइड इमर्जन रोड है ये। टच प्रोटेक्शन कवर इसमें आप मिल जाता है। तो अभी जो पिछला मॉडल मैंने आपको दिखाया था बजाज का भी, उसमें टच प्रोटेक्शन कवर नहीं था, यहाँ पर आपको ये एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है जिस वजह से प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। एक और एक्स्ट्रा फीचर इसमें जो आपको मिल रहा है वो है हीटिंग इंडिकेटर, जो कि पिछले मॉडल में नहीं था। वाटरप्रूफ है ये इमर्जन रोड और इस पे आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। तो अगर आप थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की इमर्जन रोड लेना चाहते हैं तो इस वाले मॉडल को आप कंसीडर कर सकते हैं। काफी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, प्राइस डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं आपको ये वाली इमर्जन रोड रिकमेंड करूंगा। इसकी जो स्टार रेटिंग है वो अगेन 4 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 और लगभग 3700 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने ये स्टार रेटिंग इस मॉडल को दी। नेक्स्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है क्रॉम्पटन IHL 152 इमर्जन रोड। इसका जो प्राइस है वो 600 से 620 के आसपास आपको पड़ेगा। वॉटेज इसकी भी सेम है, 1500 वॉट की पावर कंजम्पशन है इसकी। इसमें 1000 वॉट का आपको मॉडल मिल जाएगा जो कि 530 रुपए के आसपास है। निकल प्लेटेड हीटिंग एलिमेंट का इसमें यूज हुआ है, 16 एम्पीयर का प्लग है, वायर लेंथ सेम है 1.5 मीटर, ISI सर्टिफाइड है। इसमें आपको एक नियॉन ऑन ऑफ इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि बढ़िया चीज है। शॉक प्रूफ है ये वाली इमर्जन रोड और 2 साल की वारंटी इस पर आपको मिलेगी। ये वाली इमर्जन रोड भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। 4.1 स्टार रेटिंग इस मॉडल को मिली है आउट ऑफ 5 और 14,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। लास्ट मॉडल जो हमारी लिस्ट में है वो है Havells Zella Flap ऑटो इमर्जन रोड। ये वाली इमर्जन रोड आपने यूट्यूब पर काफी ज्यादा देखी होगी, काफी सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है और इसमें देखने में ये काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो ये काफी महंगी इमर्जन रोड है, 1650 से 1750 के बीच में इसका प्राइस आपको कहीं देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर इसका प्राइस थोड़ा और ज्यादा था, 1800 के आसपास था, इस साल इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है। वॉटेज की बात करूं तो सेम 1500 वॉट ये कंज्यूम करती है। इसमें भी आपको निकल प्लेटेड हीटिंग एलिमेंट देखने को मिलेगा, 16 एम्पीयर का प्लग है और वायर लेंथ 1.5 मीटर की ही इसमें आपको मिलेगी। ये भी ISI सर्टिफाइड इमर्जन रोड है। अब इसके थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको टच प्रोटेक्शन फ्लैप देखने को मिलता है जो कि कवर का भी काम करता है, यानी कि आप इस इमर्जन रोड को सेफली हैंडल कर सकते हैं। प्लस ये हैंगर का भी काम करता है, तो इसमें कोई हुक नहीं है। इस फ्लैप को आपको खोलना है और बकेट के दोनों तरफ लगा देना है, जिससे कि बकेट के ऊपर हैंग हो जाएगा और पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा।
इसमें दो सबसे बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको ऑटो कट ऑफ फीचर देखने को मिलता है, यानी कि पानी जब गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इमर्जन रोड ऑफ हो जाती है। बहुत बढ़िया फीचर है ये, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इससे काफ़ी कम हो जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल नोब भी इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्लो, मीडियम, हाई आप सेट कर सकते हैं कि कितना पानी आप गर्म करना चाहते हैं। मान लीजिए आप ज़्यादा पानी गर्म करना नहीं चाहते, स्लो रेट पर उसको गर्म करना चाहते हैं तो स्लो पर सेट कर दीजिए। तो ये दो ऑप्शंस काफ़ी अच्छे इसमें आपको मिल जाते हैं और इनकी वजह से इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। वारंटी की बात करूं तो इस पर भी आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। ये मॉडल भी कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद में आता है। प्राइस डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फीचर्स भी उसी के हिसाब से हैं। 4.1 स्टार इस मॉडल को मिले आउट ऑफ 5 स्टार और लगभग 600 से भी ज्यादा कस्टमर्स ने ये रेटिंग इस मॉडल को दी है। तो आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको 300 से लेकर 1700 रुपए तक की इमर्जन रोड दिखा दी अलग अलग फीचर्स के साथ, जिनके प्राइस ज्यादा थे उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। प्राइस ज्यादा क्यों है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सस्ते की तरफ आप जाना चाहते हैं तो इतनी बेकार क्वालिटी की मत लीजिए कि वो 1 साल चले और खराब हो जाए। थोड़े से पैसे ज्यादा लगाइए, 500-600 रुपए में आपको बढ़िया इमर्जन रोड देखने को मिल जाएगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी है और अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने जान पहचान में इसको शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके काम की ये वीडियो ना हो, लेकिन आपके जान पहचान में किसी के काम की हो। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है घर पर यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर, सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।